गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पैरासाइक्लिक रिएक्शंस में आज हम लोग साइक्लोएडिशन रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। और साइक्लोएडिशन रिएक्शंस में अब तक हम लोगों ने 2+2 साइक्लोएडिशन पढ़ लिया है। साइक्लोएडिशन रिएक्शंस ऑफ कैटायन एंड एनायन हम लोग अब तक कर चुके हैं। आज हम लोग साइक्लोएडिशन रिएक्शंस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइक्लोएडिशन रिएक्शंस ऑफ किटीन। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कंसेप्चुअल। बहुत ध्यान से आप लोग इस टॉपिक को समझिएगा कि किटीन में 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस कैसे हो रही है, क्या इसका ऑर्बिटल व्यू है, क्या इसके आंसर निकालने की ट्रिक्स है। एक एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और कंसंट्रेशन से इस टॉपिक को लीजिएगा। देखो, हेडिंग डालिएगा साइक्लोएडिशन रिएक्शन ऑफ किटीन। साइक्लोएडिशन रिएक्शंस ऑफ किटीन, देखिएगा साइक्लोएडिशन रिएक्शंस ऑफ किटीन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल किटीन है क्या ये पता हो हमारे। दिस वन इज द किटीन, करेक्ट। और ये जो किटीन होती है इसमें ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो ये किटीन होती है ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। तो हम सबसे पहले कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं ये लिखते हुए चलते हैं ताकि आप लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम ना आए इस टॉपिक में। किटीन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखें, इट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज। करेक्ट। और इसीलिए किटीन्स हमेशा न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक की जाती है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती है, ये हम लोग जानते हैं। सो इट इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल्स एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, करेक्ट। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किटीन में होती कैसे है ये हमारे को देखना है। इतना तो समझ आ गया कि ये एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है और इसके ऊपर अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का। और हमने मैकेनिज्म में ये चीज पढ़ी है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसमें कैसे होता है। आज हम केवल रिकॉल कर रहे हैं। जब भी कभी इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इस वाले कार्बन एटम पे आके जुड़ता है और रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इस वाले कार्बन पे आके जुड़ता है। दैट मीन्स किटीन में जब भी कभी कोई रिएजेंट आके जुड़ता है तो न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां कहां आके जुड़ता है ये हम लोगों ने देख लिया है। ये न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट की हमने बात करी, कौन सा पार्ट कहां कहां आके जुड़ता है, करेक्ट। आगे देखिएगा, आगे हम लोग ये कहेंगे इसमें कि किटीन्स थर्मल कंडीशन में 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस देती है। क्लियर? इट गिव्स 2+2 साइक्लोएडिशन, इट गिव्स 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस
अंडर थर्मल कंडीशन, अंडर थर्मल कंडीशन इट गिव्स 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस अंडर थर्मल कंडीशन। अब हमारे को हम ये जानते हैं कि थर्मल कंडीशन में तो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन सुप्रा एंट्रा होती है, करेक्ट, तो वो भी लिखते हैं। ये होता है पाई टू सुप्रा, पाई टू एंट्रा, यानी सुप्रा एंट्रा साइक्लो एडिशन होगा 2+2। अब यहां पे ये ध्यान रहे कि एल्कीन के रेस्पेक्ट में हमेशा सुप्रा होता है। जब ये साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं तो एल्कीन के रेस्पेक्ट में तो हमेशा कैसी होती है, सुप्रा, लेकिन कीटीन के रेस्पेक्ट में एंट्रा होती है। अब कीटीन के रेस्पेक्ट में एंट्रा का क्या मतलब है, ये अभी हम ऑर्बिटल व्यूज जब हम देखेंगे तब हमारे समझ में आएगा। तो इट गिव्स 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, याद रहे, और ये 2+2 साइक्लो एडिशन होता है सुप्रा एंट्रा, सुप्रा विद रेस्पेक्ट टू एल्कीन और एंट्रा विद रेस्पेक्ट टू कीटीन, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब एक चीज समझना, चूंकि एल्कीन के रेस्पेक्ट में सुप्रा एडिशन हो रहा है, इसलिए अगर एल्कीन की कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, सिस ट्रांस, तो वो प्रोडक्ट में हमेशा मेंटेन रहती है। क्या तो हम लोग लिखेंगे सिंस एडिशन इज सुप्रा विद रेस्पेक्ट टू एल्कीन, since addition is supra with respect to alkane, so stereochemistry of alkane, is maintained in the product. इसलिए एल्कीन की स्टीरियो केमिस्ट्री हम हमेशा प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रखते हैं। क्लियर, यानी कि अगर एल्कीन की स्टीरियो केमिस्ट्री सिस है तो हमारे को सिस प्रोडक्ट मिले, और अगर एल्कीन की स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस है तो हमारे को ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। अगर एल्कीन का जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये एल्कीन की स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रहती है, इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, ये भी हम ध्यान रखेंगे कि जो कीटेन्स होती हैं जनरली 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस नहीं देती, जनरली हम अवॉइड करते हैं कीटेन में 4+2 साइक्लो एडिशन, तो ये भी साथ में लिखेंगे आप लोग, जनरली कीटेन does not gives generally ketene does not gives 4+2 cycloaddition reactions। ठीक है, generally ketene 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस नहीं देती, ये क्या प्रेफर करती है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन अंडर थर्मल कंडीशन, और थर्मल कंडीशन में 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, दैट इज सुप्रा एंट्रा, और याद रहे ये सुप्रा विद रेस्पेक्ट टू कीटीन होता है हमेशा, सॉरी एल्कीन होता है हमेशा, और एंट्रा विद रेस्पेक्ट टू कीटीन होता है, क्योंकि एल्कीन के रेस्पेक्ट में सुप्रा है, इसलिए यदि एल्कीन की कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री है देन इट शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट, सिस गिव्स सिस प्रोडक्ट और ट्रांस गिव्स ट्रांस प्रोडक्ट, करेक्ट। अब आगे देखिएगा, आगे की बात समझे, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो कीटीन होती है ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होती है, बिल्कुल होती है भाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कीटीन कैसी है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, और इसलिए जो भी ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगी, जब भी कभी ये कीटीन एल्कीन के साथ रिएक्शन कर रही है तो मैं ऑब्वियसली उस एल्कीन को क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉनिकली रिच
ठीक है भाई, थर्मल कंडीशन के अंदर इनके बीच में 2+2 सुप्रा इंट्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, जिसमें मैंने ये कहा सुप्रा विद रेस्पेक्ट टू एल्कीन होता है और इंट्रा विद रेस्पेक्ट टू किटीन होता है। इज इट क्लियर? अब एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, वो ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, इसका मतलब ये हुआ कि हम एल्कीन का हमेशा होमो लेते हैं। एल्कीन का हमेशा क्या लेते हैं? होमो लेते हैं। और किटीन का हम हमेशा क्या लेते हैं? ल्यूमो लेते हैं। यानी जब भी कभी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं, याद रहे एल्कीन्स के होमो लिए जाते हैं ड्यूरिंग द ऑर्बिटल इंटरेक्शन और किटीन के ल्यूमो को हम प्रेफरेंस देते हैं ड्यूरिंग द ऑर्बिटल इंटरेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑर्बिटल व्यू में बहुत ही काम की चीज और बहुत ही मजेदार चीज बनने वाली है आगे जाके, ये ध्यान रखना आप लोग। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉनिकली रिच एल्कीन का होमो काम में लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट किटीन का ल्यूमो काम में लिया जाता है ड्यूरिंग द साइक्लो एडिशन, ऑलवेज रिमेंबर। आगे बात समझ में? चलिए चल आगे देखते हैं। अब देखिएगा, जब भी कभी हम लोग किटीन के 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, जब भी कभी हम किटीन में 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो यहां कुछ बातें ध्यान में रखने की होती हैं, उन्हें आप लोग समझिए। 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ऑफ किटीन, जब भी कभी हम किटीन में 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें दो बातें ध्यान में रखने की हैं, जो भी मैंने बोली। एक रेजियो, और एक स्टीरियो। अब स्टीरियो भी दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना भाई। एक होती है ओल्ड स्टीरियो और एक होती है न्यू स्टीरियो। एक होती है ओल्ड स्टीरियो और एक होती है न्यू स्टीरियो। बहुत ही काम की चीज है, ध्यान से समझना भैया, बहुत ध्यान से। तीन बातों का अगर आपके पास जवाब है तो किटीन के सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता आपसे। और अगर इनका सही तरीके से जवाब नहीं है, गुनगुन गुनगुन ऐसे चल रहा है, तो भैया सवाल कभी भी गलत हो लेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए इन तीन बातों का आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर आंसर होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेजियो की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेजियो? तो सुनो, हम लोग लेते हैं किटीन ये, राइट, ये किटीन। अब मान लीजिए जो भी एल्कीन आप लेने वाले हो, मान लो वो अनसिमेट्रिकल, यानी मैंने ले लिया एल्कीन ऐसी है, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस कार्बन को किधर जोड़े, किस कार्बन को किधर जोड़े, ताकि सही रेजियो प्रोडक्ट की हमारे को मिले। और ये बात समझ में, यानी किसको किधर जोड़ना है, ये हमारे को सबसे पहले आना चाहिए। अगर ये अपने को आता है ना, हमारे को कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एप्लीकेशन में, अभी एप्लीकेशन पे है ना, रिचा ने एक सवाल डाल रखा था प्रीवियस ईयर का कि इसका कोई आंसर बता दो, है ध्यान? अभी 2-3 दिन पहले रिचा ने डाला आंसर क्वेश्चन। तो अब आप देखो, हम पढ़ेंगे नहीं किटीन, हम तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, अभी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे भी किटीन में, और अभी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, एक सेकंड लगेगी हमारे को। क्यों? क्योंकि हमारे को ट्रिक, इसके तरीके, इसके कंसेप्ट समझ में आएंगे। प्रीवियस ईयर में आया सवाल था, देखना। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि किस एल्कीन के किस कार्बन को किस तरफ जोड़ना है, इसमें हमारी जीओसी काम आएगी। मुझे ये बताइए, इस वक्त अगर मैं इस एल्कीन के अंदर इस मिथाइल के इफेक्ट की बात करूं, तो इसका प्लस आई इफेक्ट काम करेगा और इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, तो यहां माइनस आ गया, यहां प्लस आ गया। माइनस मतलब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, प्लस मतलब
इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हमेशा यहां जुड़ता है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हमेशा यहां जुड़ता है, ये अभी मैंने आपको सिखाया था, दैट इज कॉल्ड रेजियो सेलेक्टिविटी। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को यहां जोड़ गए और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को यहां जोड़ गए, ये लीजिए दैट इज कॉल्ड रेजियो सेलेक्टिविटी। आगे बात समझ में। अब जो ऋचा ने सवाल पूछा था वो यही तो था, सबसे पहले तो उसमें रेजियो सेलेक्टिविटी हमारे को क्लियर करनी थी। क्या थी रेजियो सेलेक्टिविटी? आप देखो ये तो एल्कीन थी उसके अंदर और ये उसके अंदर किटीन बन रही थी, ये लीजिए। वो किटीन की प्रिपरेशन में हम लोग देख लेंगे किटीन कैसे बनती है, क्या बनती है, ये किटीन उसके अंदर बन रही थी। अब इस किटीन का इसके ऊपर 2+2 साइक्लो एडिशन होना है, कैसे होना है, किधर होना है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखो अभी आपको मैंने क्या ट्रिक बताई, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां जुड़ता है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां जुड़ता है, यही सिखाया मैंने अभी आप लोगों को, करेक्ट। तो मुझे ये बताइए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किधर होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किधर होगी, तो ऑक्सीजन का प्लस आर इफेक्ट लगेगा, जीओसी के अंदर पढ़ाया मैंने आप लोगों को, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए तो इसका मतलब यहां माइनस चार्ज आ गया और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप ये बताइए नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफिलिक साइड, न्यूक्लियोफिलिक साइड इस पर जुड़नी है और इलेक्ट्रोफिलिक साइड यहां जुड़नी है, यानी किटीन को पलट दूं मैं, तो बताइए बताइए इसका आंसर, यह आएगा, यह लीजिए ये आ गया, यह आ गया, ये लीजिए ये क्लोरीन हो गई, ये बोलिए कोई परेशानी। तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां पे जुड़ने वाला है, ये चीज हो गई हमारी। फिर उसके बाद अगली स्टेप पता है क्या थी, ये तो पहले स्टेप का प्रोडक्ट था, अगली स्टेप थी MCPBA, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, है ना। अब देखो दो ऑप्शन तो इस स्टेप से कट गए, अब है बेयर विलीगर MCPBA। तो MCPBA की ट्रिक क्या बता रखी है कि जिस भी अल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसके और कार्बोनाइल के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन करवा लो, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। तो बताइए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इस 2 डिग्री कार्बन का ज्यादा है या 1 डिग्री कार्बन का ज्यादा है, तो हम जानते हैं 2 डिग्री कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो बताइए यहां पर जो हमारे को प्रोडक्ट बनाना है आफ्टर MCPBA, कहिए वो ये हो गया, दैट्स ऑल फिनिश। और अगर मान लीजिए आपको ये क्लोरीन हटानी है तो क्लोरीन हटाने का क्या तरीका बता रखा है, कीटोन के अल्फा पोजीशन पर अगर कोई लिविंग ग्रुप होता है OH, OAC, हैलोजन, तो उन्हें हटाने के लिए हम जिंक एंड एसिटिक एसिड काम में लेते हैं, यानी मेटल के साथ एसिड। ये चीजें आपको सिखाई है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो बताइए इस सवाल को हमने बड़े ही आराम से सॉल्व कर लिया, जिसमें अभी तो हमने कीटीन पढ़ी भी नहीं, ये 4 नंबर का सवाल था प्रीवियस ईयर के अंदर, जो अभी 3 दिन पहले ऋचा ने डाला था ग्रुप के अंदर, है भाई एप्लीकेशन पे डाला था ना उसने सवाल। चलिए होगी ये चीज, आगे देखो आप लोग। अब मैं यहां रेजियो आपको समझा चुका हूं, रेजियो का मतलब ये है कि किटीन पे जो भी स्पीशीज जुड़ने वाली है उस जुड़ने वाली स्पीशीज के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को हम हमेशा यहां जोड़ते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को हम हमेशा यहां जोड़ते हैं। बोलिए आगे बात समझ में, यहां तक। अब मैं आता हूं स्टीरियो पे, रेजियो क्लियर कर दिया मैंने आप लोगों को, अब मैं स्टीरियो समझा रहा हूं आप लोगों को। देखो स्टीरियो भी 2 प्रकार की होती है, एक ओल्ड स्टीरियो और एक न्यू स्टीरियो। पहले तो मतलब समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ओल्ड स्टीरियो एंड न्यू स्टीरियो, क्योंकि हमने हमारी टर्म्स बना रखी हैं, आप इनके मीनिंग तो समझो पहले। देखो ओल्ड स्टीरियो का क्या मतलब है, वो ये है कि मान लीजिए मैंने किटीन नॉर्मल ली है, ये किटीन है बड़ी ही नॉर्मल किटीन है, लीजिए। लेकिन ये किटीन जहां जुड़ रही है, जिसके साथ जुड़ रही है, उस एल्कीन के अंदर पहले से एक स्टीरियो है, इट इज कॉल्ड ओल्ड स्टीरियो। इस एल्कीन में पहले से एक स्टीरियो है, पहले से, दैट इज कॉल्ड ओल्ड स्टीरियो। जब भी कभी आप इसमें 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस करवाते हो, जब भी कभी आप इसके अंदर 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस करवाते हो, तो देखो मैं ये कहूंगा हम 4 मेंबर रिंग ये बनाएंगे और ये जो मिथाइल है ना दोनों,
इनके स्टीरियो प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रहती है। अभी समझाया था मैंने आपको कि सिंस इट इज द एग्जांपल ऑफ पाई टू सुप्रा प्लस पाई टू एंट्रा साइक्लो एडिशन एंड सुप्रा विद रेस्पेक्ट टू द एल्कीन, सो द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द एल्कीन शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट, सिस गिव्स सिस प्रोडक्ट, अगर ये ट्रांस होती तो ट्रांस प्रोडक्ट हमारे को मिल जाता। तो ओल्ड स्टीरियो का मतलब होता है एक्चुअली स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन। इसका क्या मतलब होता है ओल्ड स्टीरियो का? स्टीरियो ओल्ड स्टीरियो का मतलब होता है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन ये मतलब होता है ओल्ड स्टीरियो का। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में यहां तक? अब आप देखिएगा ओल्ड स्टीरियो यहां पर भी थी, इसका मतलब यहां ओल्ड स्टीरियो का मतलब ये दोनों हाइड्रोजन सिस में थे। तो अगला स्टीरियो का जिक्र करता तो जिक्र हम भी कर लेते, अगला यहां जिक्र करता तो मैं ये दोनों हाइड्रोजन सिस लगाऊंगा, ट्रांस क्यों लगाऊंगा, ये लीजिए दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड ओल्ड स्टीरियो। अगला जिक्र करे आप भी कर लो, नहीं करे कोई बात नहीं, चल रहा है काम हमारा। अब आगे देखिए ओल्ड स्टीरियो के बाद न्यू स्टीरियो, दैट इज मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट द मोस्ट कंसेप्ट इन किटीन। देखो क्या मतलब है न्यू स्टीरियो से? न्यू स्टीरियो से मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने कीटोन ली, मैंने किटीन ली ये, दैट इज अ किटीन, और जिस एल्कीन के साथ इसे जुड़ना है वो है ये आर डैश। तो पहले तो ये बताओ क्या यहां रेजियो का कोई मतलब है? हम कहेंगे यस, रेजियो का मतलब है बिकॉज जिस एल्कीन को आप जोड़ रहे हो वो एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, इस पर लगे ग्रुप्स अलग हैं, इस पर लगे ग्रुप्स अलग हैं, तो रेजियो का मतलब है। अगर जुड़ने वाला ए और बी होता है ना तो रेजियो का हमेशा मतलब होता है। क्लियर? करेक्ट। आगे देखा क्या ओल्ड स्टीरियो कुछ है इसके अंदर? हम कहेंगे नहीं, कोई ओल्ड स्टीरियो नहीं है। अब है न्यू स्टीरियो से क्या मतलब है, जरा देखेंगे आप न्यू स्टीरियो से क्या मतलब है। ये आपने किटीन का 2+2 साइक्लोएडिशन करवा लिया, अब उसके बाद आपको यहां पर एक आर दिखाई दे रहा है और यहां पर एक आर डैश दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब जो फोर मेंबर रिंग के अंदर ये जो दो ग्रुप्स आ गए इनकी भी तो कोई ना कोई स्टीरियो होती होगी, ये सिस भी हो सकते हैं, ये ट्रांस भी हो सकते हैं। ये स्टीरियो पहले नहीं थी, अब आई है, रिएक्टेंट्स में नहीं थी, केवल प्रोडक्ट में दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड न्यू स्टीरियो। जो पहले से स्टीरियो है दैट इज कॉल्ड ओल्ड स्टीरियो, जिसको मेंटेन रखा है, और न्यू स्टीरियो जो जनरेट हो रही है उसकी कहानी को समझना है हमारे को। तो याद रखना, ध्यान रखना, इन द न्यू स्टीरियो जब भी कभी न्यू स्टीरियो की बात की जाती है तो इस पर लगा बल्कि ग्रुप और इस पर लगा बल्कि ग्रुप हमेशा सेम साइड लिखा जाता है, और इट इज कॉल्ड लेस स्टेबल प्रोडक्ट, बिकॉज ये पाथ काइनेटिकली कंट्रोल्ड पाथ सेलेक्ट करती है जब रिएक्शन करती है, तो जिसको अभी हम समझेंगे लास्ट में। पहले क्वेश्चन सॉल्व करना समझ लें, क्योंकि तीन चीजों का जवाब आपके पास होना चाहिए था। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त रेजियो सही लगाओ, ऑप्शंस को देखो, रेजियो से ऑप्शंस काटो, ओल्ड स्टीरियो चेक करो, ऑप्शंस देखो, काटो, फिर लास्ट में है न्यू स्टीरियो। तो मैक्सिमम टाइम तो न्यू स्टीरियो की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आपको मैंने समझा दिया न्यू स्टीरियो के केस में किटीन पर लगा बल्कि ग्रुप और एल्कीन पर लगा बल्कि ग्रुप को सेम साइड रखा करो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट। ये सिस प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, इट इज लेस स्टेबल प्रोडक्ट। इट इज केसी प्रोडक्ट, जिसको अभी मैं समझाऊंगा आपको पूरी मैकेनिज्म के साथ, लेकिन अपन पहले क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लें। जैसे मैंने अभी आपको जैसे ये चीज बताई तो देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो गया, 1% प्रॉब्लम नहीं आई हम लोगों को, और आएगी भी नहीं, ये मानकर चलना कि टीन के अंदर 1%। आपको जैसे जैसे समझा रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ, बस आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो पहले आप हमेशा रेजियो चेक करेंगे, फिर आप हमेशा ओल्ड स्टीरियो पे ध्यान देंगे, फिर आप न्यू स्टीरियो का ध्यान रखेंगे। क्लियर? उतारेंगे आप। मतलब आप इसको केसी प्रोडक्ट कह रहे हो ना, दैट इज लेस स्टेबल प्रोडक्ट, आप इसके लिए कह सकते हो, इसकी थ्योरी
आप लिख सकते हो, यहां लिख देता हूं कि इन द फोर मेंबर्ड रिंग, इस फोर मेंबर्ड रिंग में इस पर लगा बल्कि ग्रुप और इस पर लगा बल्कि ग्रुप, यानी इसका बल्कि ग्रुप और इसका बल्कि ग्रुप लाइज ऑन द सेम साइड इन इन फोर मेंबर्ड रिंग बल्कि ग्रुप्स बल्कि ग्रुप्स लाइज ऑन सेम साइड. जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं ना, उनको हम हमेशा सेम साइड लगाते हैं, राइट? क्यों लगाते हैं ये अभी आपके समझ में आएगा कि बल्कि ग्रुप्स हमेशा प्रोडक्ट में सेम साइड आ जाते हैं, इसलिए हमारे को लेस स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है और ये केसी प्रोडक्ट होता है. ठीक है, चलिए ये बात हुई आप लोगों के टीम के अंदर जब भी कभी हमें 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस करवानी है, इसको हम लोगों ने समझ लिया कैसे करवानी है. रेशियो का ध्यान रखना है, रेशियो का मतलब समझा दिया मैंने आपको, करेक्ट? रेशियो के अंदर मैंने ये कहा कि रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आप लोग सेलेक्ट कर लो, और ये कहा गया न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हमेशा यहां पे जोड़ दो और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हमेशा यहां जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड रेजियो. ओल्ड स्टीरियो के अंदर आपको समझाया गया एल्किन की पहले से कोई स्टीरियो केमिस्ट्री हो तो वो प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रखो, और न्यू स्टीरियो के अंदर आपको ये बताया गया कि अगर यहां किटीन का कोई बल्कि ग्रुप हो और एल्किन का कोई बल्कि ग्रुप हो तो ये हमेशा दोनों सेम साइड लगाए जाते हैं, राइट? चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे. मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर ये सिखा दूं कि जो ये किटीन यहां पर मैं ले रहा हूं, देखो ये किटीन हो सकता है बनी बनाई दे, और ये भी हो सकता है कि किटीन बनवा ले. पता लगा पहले हमसे किटीन बनवा ली, बट हमें प्रिपरेशन तो किटीन की आती नहीं थी, इसलिए हम उस सवाल को समझ ही नहीं पाए. हमें किटीन का 2+2 साइक्लो एडिशन तो बहुत अच्छे से आता है, किटीन के 2+2 में परेशानी नहीं है, वो तो अच्छा पढ़ा दिया मैंने, बट पता लगा किटीन की प्रिपरेशन यहाँ हो रही है वो हम समझ ही नहीं पाए, इसलिए हमारे को क्या आना चाहिए कि किटीन किन किन मेथड से प्रिपेयर हो रही है, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें पता होने चाहिए, जो एग्जामिनर के लिए मोस्ट कॉमन है और मैक्सिमम वो काम में लेता है. तो आप लोग हेडिंग डालेंगे दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ किटीन. प्रिपरेशन ऑफ किटीन, देखो भाई पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले तो किटीन का मेथड में आपको ये आना चाहिए कि किटीन वुल्फ रीअरेंजमेंट से बनाया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखें फ्रॉम वुल्फ रीअरेंजमेंट. फ्रॉम वुल्फ रीअरेंजमेंट क्या होता है भैया वुल्फ रीअरेंजमेंट? तो आपको याद होगा कि हम लोग कीटो कार्बिन लेते थे, और कीटो कार्बिन के अंदर कार्बिन एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसलिए ये आर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ माइग्रेट करता था और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाते थे, और हम इसको पहले लिखते थे ऐसे, जिसको हम लोग जमा के क्या लिख सकते हैं आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, That is called Wolff rearrangement. और हम इसके बारे में क्या लिखते थे कि इसमें कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हो रहा है, जिसकी नेचर एनाइनोट्रॉपिक है, और एनाइनोट्रॉपिक को ही हम और क्या कह देते हैं, एनाइनोट्रॉपिक को ही हम वो लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक. Is it clear? ये हम लोग कहते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट के बारे में. आगे देखेंगे और किस तरीके से हम बना सकते हैं किटीन को. तो किटीन की ही एक और मेथड हम लोगों ने सीखी थी फ्रॉम एसिटिक एसिड. फ्रॉम एसिटिक एसिड, जब भी कभी एसिटिक एसिड को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीफॉस्फोरिक एसिड PPA, polyphosphoric acid, then dehydration takes place and it gives ketene. ये लिखिए. Second method of preparation, हम लोग ये पढ़कर आए. Okay? और एक और method of preparation,
क्रिटिन का होता है, जिसमें हमारे को इधर देखो ये एसिड हैलाइड लिया हुआ होता है, दैट इज वन वन सॉरी टू टू, दैट इज द प्रिंसिपल चेन वन एंड टू, तो इट इज कॉल्ड टू टू डाइक्लोरो। दो नंबर कार्बन पे दो क्लोरो है तो टू टू डाइक्लोरो इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, इथेनॉइल क्लोराइड, तो टू टू डाइक्लोरो इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। इसको जब बेस की प्रेजेंस दी जाती है, इसको किसकी प्रेजेंस दी गई है, बेस की, तो बेस यहां से एच प्लस बाहर निकालेगा। बिल्कुल भाई, जैसे ये एच प्लस बाहर निकालेगा हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, करेक्ट। और उसके बाद में देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां और ये सीएल बाहर निकल जाएगा और हमारे को ये किटीन ऑप्टेन। याद रहे सबसे ज्यादा प्रिपरेशन किटीन की या तो वुल्फ रिएजेंट के थ्रू मिलेगी और या फिर इससे मिलेगी, ये बहुत ही कम मिलती है। ये दो मेथड्स आपको पता होने चाहिए, सबसे ज्यादा यूज में आने वाले ये दो मेथड है किटीन की प्रिपरेशन में, क्लियर। उतारेंगे आप लोग, देखिए किटीन का प्रिपरेशन आप लोगों को सिखा दिया है मैंने, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना समझाता हूं। उतारो फटाफट, देखिएगा किटीन के ऊपर ये पहले चार सवाल आपके सामने हैं और याद रहे इन सवालों को जब हम सॉल्व करें तो तीन बातों के जवाब हमारे पास होने चाहिए अगर वहां काम कर रही है तो। फर्स्ट इज रेजियो, सेकेंड वन इज द ओल्ड स्टीरियो एंड थर्ड वन इज द न्यू स्टीरियो, दैट्स ऑल। देखो मैं वन बाय वन सभी सवाल सॉल्व करता हूँ, ठीक है। बेसिक सवाल है, फिर हम लोग आगे के अच्छे सवाल अभी और लेते हैं। देखो भी 118, सबसे पहले यह किटीन बनी बनाई ली है और एल्किन भी हमारे को दी हुई है। सबसे पहले एल्किन देखो कैसी है, हम कहेंगे एल्किन तो सिमेट्रिकल है, इसका मतलब यहाँ रेजियो मायने नहीं रखती। दूसरा, क्या यह कोई ओल्ड स्टीरियो है, तो आप कहोगे यस स्टीरियो तो है, एक ओल्ड स्टीरियो। ये दोनों हाइड्रोजन सिस है, अगर ये सिस है तो फोर मेंबर रिंग में स्टीरियो केमिस्ट्री सिस चलेगी, बिल्कुल। उसके बाद हम बोले नहीं न्यू स्टीरियो कुछ है, तो हम कहेंगे नहीं न्यू स्टीरियो तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज इसमें लगे हुए दोनों ग्रुप कौन है, मिथाइल। अलग अलग होते तो सोचते, यहां तो एक जैसे ग्रुप है, कोई न्यू स्टीरियो इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, ये आपके पास साइक्लो ऑक्टीन, ये लीजिए किटीन कैसे भी जोड़ लीजिए, ये लीजिए यहां पर ये मिथाइल और ये मिथाइल, और इसकी जो स्टीरियो है वो सिस मैंने मेंटेन रखी। अब ये आपकी इच्छा है, आप चाहो तो वेज वेज लगा दो, आप चाहो तो डैश डैश लगा दो, ये सिस स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने प्रोडक्ट में मेंटेन रखी है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। आगे देखो 119 की मैं बात करता हूं, सबसे पहले यहां देखो किटीन है नहीं, अगर किटीन नहीं है तो इसका मतलब किटीन पहले बनानी है, तो देखो किटीन बनेगी कैसे, सबसे पहले तो मैं वो बता दूं आपको। देखो सबसे पहले यहां बेस के द्वारा यहां से एच प्लस बाहर निकाली जाएगी, बेस एसिड हैलाइड के अल्फा कार्बन पर लगा हुआ एच एच प्लस फॉर्म के अंदर निकालेगा और जैसे ही एच प्लस बाहर गया हमारे को ये स्पीशीज मिली और उसके बाद देखो क्या होगा, देन ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां और ये क्लोरीन बाहर, और जैसे ये क्लोरीन बाहर गई हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, करेक्ट। जैसे ये स्पीशीज मिली इसको हमने कहा किटीन। अब ये किटीन मैं कह रहा हूं हो सकता बनी बनाई देता और हो सकता है बनवा लेता, हमने यहां बनाई है, ओके। अब इस किटीन का रिएक्शन इस एल्किन के साथ हो रहा है, तो अब आप देखो क्या यह रेजियो मायने रखती है, हम कहेंगे यस रेजियो मायने रखती है, बिकॉज इस एल्किन में पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बनेगा और ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बनेगा, और याद रहे इस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट
को हम लोग जोड़ेंगे इस वाले कार्बन से और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को हम जोड़ेंगे इस वाले कार्बन से। क्लियर, चलिए देखते हैं हम लोग बनाते क्या बना। ये देखो मैंने क्या बोला, यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्रिएट हुई, यहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्रिएट हुई, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां जुड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रेजियो। करेक्ट, अब कोई ओल्ड स्टीरियो है हम कहेंगे ओल्ड स्टीरियो, कुछ भी नहीं है। कोई न्यू स्टीरियो बनेगी, न्यू स्टीरियो भी नहीं बनेगी, बिकॉज एल्किन पर लगे हुए ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं। करेक्ट, अब जब दोनों ग्रुप एक जैसे हैं तो कहीं भी लगा लीजिए आप लोग। देखो बना के बताता हूं, यहां पे ये लीजिए, ये लीजिए एम ई और ये सी। करेक्ट, तो नई स्टीरियो कुछ भी नहीं है हमारे पास, बिकॉज अगर इस पर लगा हुआ ये ग्रुप और ये ग्रुप एक जैसा है तो फिर कोई स्टीरियो का कोई मतलब रहा ही नहीं है। हां इतना याद रखना, प्लस ये जरूर पॉसिबल है कि यहां क्लोरीन और मिथाइल अपोजिट स्टीरियो रखते हैं, लेकिन ये याद रहे दीज आर द पेयर ऑफ एनेंशियम्स। इज इट क्लियर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये दो पॉसिबिलिटीज यहां हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री आप ओल्ड स्टीरियो जिसको हम बोलते थे या न्यू स्टीरियम जिसको बोलते थे वैसी कोई भी स्टीरियो यहां पे नहीं है। तो ध्यान रखें, पहले रेजियो चेक करो, फिर ओल्ड स्टीरियो, फिर न्यू स्टीरियो। बताइए 119 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को। मैंने पहले किटीन बनाई और किटीन का एल्किन के साथ 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन करवाया। आगे देखो मैं आता हूं 120 में किटीन बनी बनाई है, इसके साथ जिसको जोड़ना है वो एल्काइन हमारे को दी हुई है। बताइए इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हम लोग आराम से इसके इफेक्ट से निकाल लेंगे, इसके प्लस आर इफेक्ट के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होंगे, और यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बन गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बन गया। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ पे जोड़ना है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इस वाले कार्बन पे जोड़ना है, और हमारे को फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए This one is the answer, right? इसमें केवल और केवल रेजियो मायने रखती है, याद रहे इसके अंदर ना कोई ओल्ड स्टीरियो है ना कोई न्यू स्टीरियो है। अब मैं आता हूं 121, that is very very important, इसमें सब कुछ है इसके अंदर, रेजियो इसके अंदर है, ओल्ड स्टीरियो इसके अंदर है, न्यू स्टीरियो इसके अंदर जनरेट होगी। ये बहुत अच्छा सवाल है प्रैक्टिस के लिए। देखो सबसे पहले मैं इसमें एक चीज और क्लियर करूं कि इसमें किटीन बनी बनाई नहीं दे रखी, तो सबसे पहले तो हम किटीन बनाते हैं इसमें। देखो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बेस की प्रेजेंस में एसिड हैलाइड की अल्फा कार्बन पे लगी एच एच प्लस फॉर्म में निकलेगी। जैसे ये एच प्लस फॉर्म में निकली हमारे को ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज मिली, ये लीजिए। अब क्या होगा देख लो, वही ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आए, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो Cl बाहर निकल जाती है, राइट, जिसको अपन सीधा बाहर निकाल देते हैं। ये लीजिए दिस वन इज द किटीन, ये किटीन इस डाइईन के साथ रिएक्शन करेगी। अब आप देखिए ये रही डाइईन और ये रही किटीन, और दोनों के बीच में थर्मल कंडीशन में 2+2 सुप्रा इंट्रा साइक्लो एडिशन होगा। अभी मैंने आपको बताया था किटीन जनरली 4+2 नहीं देती, 2+2 देती है, इसका मतलब मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ 2+2 साइक्लो एडिशन में करवाऊंगा। अब 2+2 जब मैं साइक्लो एडिशन करवाऊंगा तो मुझे इस पाई इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ तो शिफ्ट करवाने पड़ेंगे ना, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि यहां पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है। तो याद रखना, नियम ले लेना, कसम खा जाना कि जब भी कभी हम डाइईन में पाई इलेक्ट्रॉन को किसी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाएंगे तो वो कभी भी हम इन दोनों के अंदर की तरफ शिफ्ट नहीं करवाएंगे, हमेशा बाहर की तरफ शिफ्ट करवाएंगे। ये नियम होता है डाइईन के अंदर। करेक्ट, क्या बोला, एक कॉन्जुगेटेड डाइईन है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी एक पाई बॉन्ड का जब शिफ्ट होगा तो वो कभी भी अंदर की तरफ नहीं होगा,
यानी एक दूसरे की तरफ नहीं होते, हमेशा बाहर की तरफ जाते हैं, राइट। ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। इसका इसके ऊपर प्लस आर लगेगा, या इसके ऊपर इसका प्लस आर लगेगा। तो अगर आप इसको शिफ्ट करवा रहे हो तो बाहर की तरफ करवाओ, इसको करा रहे हो तो बाहर की तरफ करवाओ। कभी भी इन्हें एक दूसरे की तरफ मत करवाओ, बाहर की तरफ करवाओ, राइट। तो अब बताइए, ये डाइईन थी, तो बाहर की तरफ का क्या मतलब हुआ? बाहर की तरफ का मतलब ये हुआ, sp3 को तो हटा लो, उसको मत देखो, और अब पहचानो बाहर की तरफ का क्या मतलब है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होगा, क्लियर। तो मैं वापस से ये बना देता हूं, और अब आपको इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट समझ में आ चुका है। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कहता है ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो यहां माइनस चार्ज हो गया, यहां प्लस चार्ज हो गया, दैट इज कॉल्ड रेजियो। हमारे को न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को इससे जोड़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को इससे जोड़ना है, रेजियो क्लियर कर दी है मैंने। अब मैं आता हूं ओल्ड स्टीरियो, कोई ओल्ड स्टीरियो यहां पर है? तो आप कहोगे यस, ओल्ड स्टीरियो है यहां पे। कौन सी है? ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, और दोनों हाइड्रोजन का स्टीरियो सिस है, सिस, और ये सिस स्टीरियो प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगा। ये अपनी चॉइस है, हम वेज वेज दिखा दें या डैश डैश दिखा दें, क्योंकि वो हम लोग नहीं पता कर पाएंगे, बिकॉज बोथ पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। तो अब यहां देखो, प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, ये प्रोडक्ट बन गया, दैट इज कॉल्ड रेजियो। किसको किससे जोड़ना है? आई बात समझ में? किसको किससे जोड़ना है, दैट इज कॉल्ड रेजियो। अब मैं आता हूं ओल्ड स्टीरियो, ये लीजिए, दैट इज ओल्ड स्टीरियो, क्लियर। अब इसके साथ में एक प्रोडक्ट और बनाता हूं, आपको पूरा मतलब क्लियरिटी होना चाहिए यार, पूरा क्लियरिटी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेजियो, एंड दिस वन इज कॉल्ड ओल्ड स्टीरियो। इज इट क्लियर? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने रेजियो क्लियर कर दी है, मैंने ओल्ड स्टीरियो क्लियर कर दिया, अब न्यू स्टीरियो। क्या न्यू स्टीरियो मायने रखती है? आप कहोगे यस, मायने रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि स्क्रीन पर एक एच और एक एफ है, एक बल्कि एक लेस बल्कि ग्रुप है, और इस कार्बन पर भी एक एच है और एक ये कार्बन है, एक लेस बल्कि और एक मोर बल्कि है। तो जब ये जुड़ते हैं आपस में, लो जी जुड़ गए, अब बताइए इस कार्बन का एक फ्लोरीन है और एक एच है, और इस कार्बन पर भी एक एच है और एक ये पूरा बल्कि ग्रुप है। ये देखना पड़ेगा हमारे को किधर है, कहाँ है, किस स्टीरियो के साथ आएगा। तो बताइए अगर ये साइक्लिक रिंग नहीं होती, मान लो ये साइक्लिक रिंग नहीं होती, लो जी ये ऐसे होता, तो इसका मतलब ये वेज है तो ये क्या है, डैश, हाँ या ना? आप कहोगे यस, अगर ये वेज है तो सर ये डैश होगा। बहुत बढ़िया, इतनी सी बात ही समझ रही थी हमारे को। तो इसका मतलब अगर ये वेज है तो ये डैश है, इसका मतलब इस पर लगा हुआ बल्कि ग्रुप डैश कहा जा रहा है। तो बताओ इसके ऊपर बल्कि ग्रुप कौन है? फ्लोरीन, तो वो डैश पे लगाया जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर ये डैश है तो ये बल्कि ग्रुप वेज है, अगर आपका स्टीरियो ये है तो बल्कि ग्रुप ऐसे लगाया जाएगा। बस ये आंसर्स होते हैं निकालने के, पूरी चीज समझा दी मैंने आपको। और ये दोनों प्रोडक्ट जो है, ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर है जो कि 1:1 के अंदर मिलेंगे। अब मैं दोनों क्यों बता रहा हूं? बिकॉज हमें ये नहीं पता कि एग्जामिनर हमें ऑप्शन में ये देगा या ये देगा। दोनों दे दे तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर 1:1 पे बनेंगे, कोई एक दे तो आपको निकालना सिखा दिया मैंने, रेजियो, ओल्ड स्टीरियो एंड न्यू स्टीरियो। ये आपका 121 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब बताइए कहीं कोई दिक्कत हो तो आपको उतारो। देखिए किटीन के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, 123 एंड 124। अब हम लोग इनको देखते हैं वन बाय वन। अपने आंसर्स मैच कीजिए आप लोग, आंसर्स मैच कीजिए आप लोग अपने। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 122 में क्या होगा, बेसिक मीडियम में यहां से H प्लस बाहर जाएगी, जैसे ही H प्लस बाहर गई हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, ऐसा किया, और उसके बाद में देन फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये क्लोरीन बाहर, और हमारे को केटीन मिली। भाई सबसे पहले तो केटीन बनानी थी ना हमारे को, वो केटीन बना ली हम लोगों ने। अब केटीन बनाने के बाद ये जिससे जुड़ रही है वो स्पीशीज कौन है? वो ये एल्कीन है, ये लीजिए, राइट। तो देखो पहले तो जो एल्कीन जुड़ रही है
उसका इधर का तरफ का पोर्शन और इधर का तरफ का पोर्शन स्ट्रक्चरली सेम है। जो एल्कीन इस पर जुड़ रही है उसका इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन स्ट्रक्चरली सेम है, दैट मींस यहाँ रेजियो मायने नहीं रखती। उसके बाद ओल्ड स्टीरियो यस मायने रखती है, ओल्ड स्टीरियो मायने रखती है, ये ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट के अंदर ट्रांस ही रहेगी और न्यू स्टीरियो के अंदर कुछ भी जनरेट नहीं होगी। तो हम ये कहेंगे यहां ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा। दिस वन इज द आंसर, इज इट क्लियर? अब मैं आता हूं 123 नंबर पर। देखो भाई 123 नंबर सॉल्व करता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिएक्शन हुई SOCl2 से, SOCl2 के साथ जब रिएक्शन होगी यहां ये लीजिए, तो हमारे को एसिड हैलाइड मिलेगा, करेक्ट? अब ये जो एसिड हैलाइड मिला उसकी रिएक्शन हो गई ट्राइएथाइल अमीन के साथ, ट्राइएथाइल अमीन यहां से एच प्लस बाहर निकालेगा, जैसे ही वो यहां से एच प्लस बाहर निकालेगा राइट हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। बताओ प्रिपरेशन वही कॉमन मेथड से चल रही है और देन फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर और ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, और जैसे ये क्लोरीन बाहर निकलेगा हमारे को इससे ये किटीन मिल जाएगी। ये लीजिए दिस वन इज द किटीन। अब आप देखो ये किटीन जुड़ किसके साथ रही है, ये किटीन जिस एल्किन के साथ जुड़ रही है ना, जिस एल्किन के साथ 2+2 सुपर एंटर साइक्लो एडिशन कर रही है, वो एल्किन अनसिमेट्रिकल है, दैट मींस यहां रेजियो मायने रखती है, राइट? तो देखो भाई जुड़ने वाली एल्किन कौन है, कैसी है, देख लो यहां पर ये एल्कीन है, तो मैं इस एल्कीन को अगर ऐसे लिख दूं तो आप समझ जाओगे। ये एल्कीन मैंने ऐसे लिख दी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, और थर्मल कंडीशन में पाई टू सुप्रा और पाई टू एंट्रा साइक्लो एडिशन होगा इसके अंदर, और जैसे सुप्रा एंट्रा साइक्लो एडिशन हुआ देखिएगा यहां पर इसके कारण, इसके प्लस आर इफेक्ट के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, क्लियर? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां जुड़ेगा, और जैसे ये 2+2 साइक्लो एडिशन होगा हम इस प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं, ये पीएच और ये ओएम, ये लीजिए दैट इज कॉल्ड रेजियो। रेजियो समझ में आ गई आपके? अब रेजियो के बाद जैसे आपने 4 मेंबर रिंग बनाई आपको इधर एक ग्रुप और इधर एक ग्रुप दिखाई देने लगा जिसको हम कह रहे थे न्यू स्टीरियो, और न्यू स्टीरियो के लिए मैंने क्या बोला है कि इन द 4 मेंबर रिंग इधर का बल्कि और उधर का बल्कि ग्रुप हमेशा सेम साइड लगाया जाता है। दैट मींस मैं ये कहूंगा इसको मैं कैसे लिखूंगा, या तो मैं दोनों को वेज वेज लिखूं या दोनों को डैश डैश लिखो, बात एक ही है। दिस वन इज द आंसर। ये लीजिए ये मैंने यहां 4 मेंबर रिंग बना ली, कहिए मेरी बात आप लोगों के समझ में आई? ये प्रोडक्ट आप लोगों को बनाना था, ठीक है? चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखना आप लोग नेक्स्ट एग्जांपल समझिएगा 124, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर भी बेस एच प्लस बाहर निकालेगा, ये लीजिए, और एच प्लस बाहर निकाल के ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये बाहर, दैट मींस किटीन बन गई यहां। अब मैं उस किटीन को इसके साथ लिखता हूं, ये लीजिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहां थर्मल के अंदर 2+2 सुपरा एंट्रा साइक्लो एडिशन हुआ, और सुपरा एंट्रा साइक्लो एडिशन के दौरान आपको यहां रेजियो समझनी थी। रेजियो का क्या मतलब हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए, यहां से यहां गए तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, माइनस इसके साथ जुड़ेगा, प्लस इसके साथ जुड़ेगा, और यहां रेजियो मायने रखेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने रेजियो क्लियर करी आप लोग कर दी। अब यहां से देखो ओल्ड स्टीरियो कुछ है, यस यहां पर लगा हुआ एच और यहां पर लगा हुआ एच, स्टीरियो केमिस्ट्री रखता है तो या तो दोनों को वेज वेज लगाओ या दोनों को डैश डैश लगाओ, एक ही बात है। ये तो आपका प्रोडक्ट ए हो गया। उसके बाद आपने दे रखा है यहाँ
जिंक और एसिटिक एसिड और ये अल्फा कार्बन पर लगे हुए ये जो क्लोरीन है कीटोन के रेस्पेक्ट में या एस्टर के रेस्पेक्ट में जब भी कभी कोई अल्फा पोजीशन पर कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, होता है तो इट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। आपको मैंने ये सिखा रखा है, ले लीजिए, दिस वन इज द आंसर। याद करो मैंने कॉपी में ये करवा रखा है और उसने कॉपी के अंदर क्या, उसने क्या पूछ लिया एग्जाम के अंदर, उसने कुछ इसी तरीके से बियर विलीगर वगैरह अप्लाई कर दी और कुछ नहीं था इसके अंदर। बताइए 124 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने ऐसे किया था, यही आंसर था सभी का। हाँ जी, गुड। अब आप देखिएगा जो अभी मैंने आपको सवाल दिया था, जैसे कहा मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ सवाल है, वो सवाल भी आपके ओवरऑल समझ में आ जाएगा। देखिएगा देखो, स्टार्टिंग में मैंने यही तो सवाल लिखा था, बस ये सवाल था एक्चुअली जो रिचा ने एप्लीकेशन में डाला था। अब आप आराम से इस सवाल को देखो, कुछ है ही नहीं इस सवाल के अंदर। पहले स्टेप के अंदर यहां पर किटीन फॉर्मेशन हो रही है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां इन द प्रेजेंस ऑफ द पिरिडीन, ये लीजिए अल्फा कार्बन पे लगी एच, एच प्लस फॉर्म में लिखी, उसके बाद मैंने आपको क्या बता रखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, फिर उसके बाद ये वापस इधर जाते हैं, ये जब वापस आते हैं तो हो सकता है नेगेटिव वापस उधर चला जाए या हो सकता है लिविंग ग्रुप निकल जाए, पॉसिबिलिटी तो दोनों है ना, करेक्ट। जिसको हम सीधे निकाल देते हैं और ये किटीन बना लेते हैं, और किटीन बनने के बाद अब आप देखिए अगली स्टेप, ये एल्कीन थी जिसमें हमें पता है इस ऑक्सीजन का प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे। अगर ये इधर से इधर जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहाँ जुड़ेगा, ये आप लोग समझ गए, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बना, ये यहाँ जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहाँ जुड़ेगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा। अब अगर यहाँ पे स्टीरियो अगला लगा के दे तो आप भी लगा लेना, नहीं लगा के दे तो कोई बात नहीं। अब अगले स्टेप ये था ए प्रोडक्ट, और अगले स्टेप MCPBA थी, दैट इज बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का इंसर्शन हमारे को पता है हमारे को इस तरफ करवाना है और इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन करनी है, और इससे हमारे को ये प्रोडक्ट बनेगा। कहिए कहीं कोई दिक्कत 125 नंबर क्वेश्चन में, उतारेंगे आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अब किटीन के 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के अंदर मैं ऑर्बिटल व्यू का जिक्र करता हूं। ऑर्बिटल व्यू केवल समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे कहीं काम नहीं आता, ये केवल हमारी नॉलेज बढ़ाएगा, केवल किटीन के 2+2 साइक्लो एडिशन को और प्रॉपर तरीके से क्लियर करेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक रेजियो, देन वी विल चेक ओल्ड स्टीरियो, देन वी विल चेक न्यू स्टीरियो, राइट। अब देखिए ऑर्बिटल व्यूज को समझते हैं। देखो भाई, ये मैंने ली एल्कीन, समझना, ओके, ये एल्कीन्स ले गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये है किटीन, इसको भी ऐसे समझो, ये थी एल्कीन, ऐसे लेते हैं हम लोग, और ये है किटीन, करेक्ट। अब हमें ये पता है कि जो एल्कीन है दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू किटीन, ओके, इसलिए हम एल्कीन का तो होमो काम में लेते हैं, क्लियर। और किटीन एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए किटीन का हम ल्यूमो काम में लेते हैं। आ रही है बात समझ में, एक का होमो और एक का ल्यूमो काम में लेते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस ये थर्मल कंडीशन में हो रहा है, और थर्मल के अंदर एल्कीन का होमो
साई वन होता है और किटीन का होमो साई टू होगा। ये भी हम लोग समझ गए क्या होगा, साई टू होगा। अब मैं वो साई वन और साई टू एक बार जरा ड्रॉ कर दूं आप लोगों के लिए। देखो भाई ये एल्कीन जिसका ये होमो प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये किटीन ये लीजिए जिसके ल्यूमो की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसका ल्यूमो साई टू होगा, दैट इज प्लस माइनस माइनस और प्लस। लेकिन हमें पता है ये क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं और क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एट द सेम टाइम। ये भी चीज प्रेजेंट है यहाँ पे। हाँ मैंने केवल एक रिप्रेजेंट कर दिया कि कार्बोनाइल भी तो एक पाई बॉन्ड है और इसके भी तो पी ऑर्बिटल है। अगर एक पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल यू है, अगर एक पाई बॉन्ड के p ऑर्बिटल u है तो दूसरे पाई बॉन्ड के u होंगे, दैट इज अ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। स्टीरियो के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, राइट। अब आप देखना इस वक्त अगर मैं यहां थर्मल कंडीशन की बात करता हूं, बहुत ध्यान से समझना भाई, थर्मल कंडीशन की बात करता हूं और मैं कहता हूं कि भाई ये सुप्रा और एंट्रा साइक्लो एडिशन होता है, तो सुप्रा विद रिस्पेक्ट टू होता है एल्कीन और एंट्रा होता है विद रिस्पेक्ट टू किटीन, इसके रेस्पेक्ट में होता है सुप्रा विद रेस्पेक्ट टू एल्कीन और एंट्रा विद रेस्पेक्ट टू किटीन। और उसको मैं दिखा कैसे सकता हूं, दिखा कुछ इस प्रकार से सकता हूं। देखो ये लीजिए दैट इज द सुप्रा साइक्लो एडिशन, सुप्रा क्या सॉरी एक ऐसे जोड़ा और अगर इसको जोड़ना है तो ऐसे जोड़ा। अब ध्यान से देखो आपको एल्कीन के रेस्पेक्ट में सुप्रा नजर आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में क्या नजर आ रहा है सुप्रा। वाई क्यों नजर आ रहा है, बिकॉज बोथ सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्मड फ्रॉम द सेम फेस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, क्लियर। और बताइए किटीन के रिस्पेक्ट में कैसे नजर आ रहा है एंट्रा, बिकॉज बोथ सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्मड फ्रॉम द अपोजिट फेस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, क्लियर। ये आपको नजर आ रहा है एंट्रा, यानी एक साइड एक एडिशन आपको सुप्रा नजर आ रहा है, एक आपको एंट्रा नजर आ रहा है, राइट। यानी कि एल्कीन के रेस्पेक्ट में सुप्रा और इसके रेस्पेक्ट में एंट्रा, इसका मैंने साई वन और इसका मैंने साई टू आप लोगों को रिप्रेजेंट करके दिया है। लेकिन एक बात बताओ यार, ये दिखा तो दिया लेकिन क्या ये राइट नाउ स्टेरिकली अप्रोचेबल है, हम कहेंगे नहीं। अगर ये स्टेरिकली अप्रोचेबल होता तो भाई इनिशियली हमने एल्कीन का 2+2 साइक्लो एडिशन थर्मल के अंदर कहा था, सुप्रा एंट्रा होने के कारण नहीं हो पाता और रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, तो भाई यहां कैसे पॉसिबल है ये, अरे यहां कैसे पॉसिबल है ये। अगर ये पॉसिबल होता तो एल्कीन में 2+2 सुपर एंट्रा ना हो जाता, जबकि वहां हम लिख के क्या आए हैं एल्कीन के अंदर 2+2 थर्मल कंडीशन में रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, सुपर एंट्रा स्टेरिकली अप्रोचेबल नहीं होता। तो जब एल्कीन में नहीं होता तो किटीन में कैसे हो सकता है, अभी इस वक्त ये जो 3D मैंने दिखाई है ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो ऐसे दिख रहा है ये एल्कीन, ये लीजिए ओके ये एल्कीन, इसकी ये दो लोब, इसके ऊपर ये किटीन, किटीन का ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है अभी, हट गया, कोई मतलब ही नहीं है। और इसने अपना एक सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना रहा है और दूसरा वाला ऐसे बन रहा है ऐसे। तो एक बात बताओ यार, ये सुप्रा एंट्रा कहां पॉसिबल है, तुम कहेंगे ये दिखने में सुप्रा एंट्रा हमने बना ली एक बार और दिखा भी दी, लेकिन अगर अगर इंटरेक्शन ऐसे हो रही है तो इट इज नॉट स्टेरिकली अप्रोचेबल, ऐसी इंटरेक्शन स्टेरिकली अप्रोचेबल नहीं होती। तो हम ये कहें such type of interaction is not, such type of interaction is not sterically approachable, ये sterically approachable नहीं होता। Such type of interaction is not स्टीयरिकली approachable, ये स्टीयरिकली approachable नहीं है। आ रही है बात समझ में, ये स्टीयरिकली approachable नहीं है। That means अगर मैं इस तरीके से supra intra cyclo addition की बात कर रहा हूं तो ये गलत है, क्योंकि अगर ये approachable है तो फिर भैया 2+2 वो भी होता है। इसका मतलब कि टीन में 2+2 साइक्लो एडिशन थर्मल कंडीशन में जो सुप्रा एंट्रा कहा जा रहा है उसका ये डायग्राम सही नहीं है, इस तरीके से रिएक्शन नहीं होती। ये केवल और केवल ये बताने के लिए बताया गया है कि ऐसा नहीं होता है, ये केवल
ये समझाने के लिए बताया गया है कि भाई ऐसे मत करा देना 2+2 सुपरएंट्रा, ऐसे नहीं होता, कुछ अलग ही तरीके से होता है। वो तरीका क्या है अब मैं वो समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखो भाई अब वो तरीका आप लोग देखेंगे कैसे होता है, उतारो फटाफट। हाँ भाई अब आप देखिए एक्चुअली इंटरेक्शन होती कैसे है, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो भाई अब आप कुछ समय के लिए जो व्यू अभी अपना ऐसे चल रहा है ना, यूं मतलब मैं यूं हूं, आप सामने हो और मुझे ऐसे देख रहे हो, अपने हर व्यू ऐसे देख रहे हो। अब आप कुछ समय के लिए टॉप व्यू देखना चालू कर दो। अब आप कैसे देख रहे हो, टॉप से, यानी आप सभी लोग ऊपर से देख रहे हो इस पूरे सिस्टम को, इस एल्कीन को, इस कीटीन को, सबको आप ऊपर से देख रहे हो। मुझे बताओ जब आप ऊपर से देखोगे तो ये जो एल्कीन है, एल्कीन तो थोड़ी देर पहले आपको ऊपर की लोब भी नजर आ रही थी, नीचे की भी दिख रही थी, ये भी दिख रही थी, ये भी दिख रही थी, मतलब थोड़ी देर पहले आपको ये एल्कीन ऐसे दिख रही थी, ये लीजिए क्वाय, क्योंकि आप इसको ऐसे देख रहे हो यू, तब आपको ये ऐसे दिख रहा है साइबर, यू देख रहे हो। मैं कह रहा हूं यू मत देखो, अब इसको मैं कहता हूं यहां से देख रहे हो आप। जब आप यहां से देखोगे ना तो आपको बस ऐसे दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहे, ये आपको केवल और केवल दो स्फीयर्स ऐसे दिख रहे हैं, बाकी पीछे की लोब अब आप लोगों को नहीं दिख रही। बताइए ये व्यू समझ में आ रहा है अब आप लोगों को? हाँ जी क्लियर, गुड। अब आप देखिए इस व्यू से मैं आप क्या बताने वाला हूं, समझना बाद में, उतार लेना यार बहुत काम की चीज है। देखो मैंने कहा एल्कीन जिसको आप ऊपर से देख रहे हो, अब आपका व्यू ये है। अब एक बात होता है इसके जस्ट ऊपर कीटीन थी, कीटीन जिसका एक पाई बॉन्ड यू था कार्बन कार्बन और दूसरा पाई बॉन्ड यू था कार्बन ऑक्सीजन वाला, याद करना कार्बन कार्बन यू था, कार्बन ऑक्सीजन यू था, कार्बन कार्बन ऐसे था और कार्बन ऑक्सीजन ऐसे था। मैं कहूं किटीन को 90 डिग्री से घुमा दो 90 डिग्री से, अब आपको पाई बॉन्ड ऐसे दिख रहा है, कार्बन कार्बन ऐसे दिखेगा, कार्बन ऑक्सीजन ऐसे दिखेगा। समझ में आ रही है बात, सिस्टम में कार्बन कार्बन यू हो गया, हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है, और कार्बन ऑक्सीजन यू हो गया। बोलिए मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, करेक्ट ओके। अब मैं कहता हूं किटीन को पहले तो आपने 90 से कैसे घुमाया, ऐसे 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 का मतलब यू वाला यू हो गया, 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 पूरा सिस्टम घुमा दिया। और फिर इसको एक बार और 90 से यू घुमा दिया, यू घुमाते ही बताइए क्या हुआ। देखो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था, कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन, ये ऐसे दिखाई दे रहा है और उसके आगे कार्बन ऑक्सीजन ये ऐसे दिखाई दे रहा है। मैं रिपीट करता हूं, देखो रिपीट करता हूं, आप समझो वापस से। एल्कीन आप ऊपर से देख रहे हो, ये दो लोब आपको दिखाई दे रही है करेक्ट, और इसके जस्ट ऊपर कीटीन का ये कार्बन कार्बन बॉन्ड और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसे था, क्लियर ऐसे था। अब जो मैं कह रहा हूं समझना कि आप इस किटीन को पहले यू घुमाओ तो आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड यू नजर आएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यू नजर आएगा, हो गया। अब इस किटीन को पूरी को यू ले जाओ, ये आपकी किटीन अब ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ, अब ऐसे है ये किटीन, कैसे है सी डबल बॉन्ड ओ करेक्ट, और सी डबल बॉन्ड सी के पाई बॉन्ड यू है, समझ रहे हो, और सी डबल बॉन्ड ओ का पाई बॉन्ड यू है करेक्ट। आपका एल्कीन के ऊपर कीटीन ऐसे है सी सी ओ, सी सी का पाई बॉन्ड कैसे है, सी सी का पाई बॉन्ड ऐसे है, ये लीजिए, और सी ओ का पाई बॉन्ड कैसे था, ये से था, मैंने कहा था घुमा लिया था मैंने, तो सी सी का पाई बॉन्ड तो यू है और सी ओ का पाई बॉन्ड यू है, तो दो प्रकार से घुमाया, पहले तो मैंने यू घुमाया ये सी सी ये सी ओ, और फिर मैंने यू घुमाया सीसी और सीओ के पाई बॉन्ड ऐसे लग रहे हैं, सीसी सीओ सीसी सीओ सीसी कार्बन कार्बन और ये सीओ का पाई बॉन्ड ऐसे दिख रहा है। और ये आपको मैं बताने के लिए ऐसे दिखा दूं, देखो इधर ये सी ऊपर है इसलिए भैया देखेगा सीसी, और ये लीजिए सीओ, ये लीजिए। बोलिए यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत, करेक्ट। चलिए और थोड़ा सा इसको
डायगनली समझा देता हूँ और थोड़ा इसको डिजाइन और बढ़िया लगेगी हमारी, ये लीजिए। ओके चलिए, अब मैं जो कह रहा हूं आप देखना, इधर देखिए, ये किटीन का कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड और ये किटीन का कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड। बोलो यहां तक समझ में आई आपको बात? करेक्ट। अब इस वक्त आपको यहां ये व्यू क्लियर हो रहा है। अब आपको कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड क्या बनाना है? ल्यूमो। ल्यूमो मतलब साइटो। साइटो का मतलब क्या हो गया? ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे ही तो था। करेक्ट, ऐसे ही था। और यहां ये कार्बन ऑक्सीजन जो पाई बॉन्ड है इसका पहला साइन आप जो चाहे वो लगा सकते हो। पहला साइन अपनी इच्छा है, हम कोई सा भी बना सकते हैं, बाद का साइन आप लगाते रहो, क्या फर्क पड़ता है हमारे को। क्लियर। अब आप देखना क्या इंटरेक्शन चल रही है। ये दो गोले प्लस प्लस वाले, ये दो गोले हैं, नीचे से मतलब नहीं, ऊपर के दो गोले हैं, इसके ऊपर कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन के ये पी ऑर्बिटल, ऐसे समझ रहे। अब ये पी ऑर्बिटल की दोनों लोह और इसकी दोनों लोह इन गोलों से इंटरेक्ट कर सकती है। कैसे करेगी ये आप समझो। देखो ये इंटरेक्शन ऐसे हो गई, ये लीजिए। अब आप ध्यान से देखो कि ये इंटरेक्शन कैसी है। एल्कीन ने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम फेस से बनाए, सेम लोब से बना रही है, दैट इज सुप्रा। लेकिन किटीन देखो, किटीन कैसे बना रही है, किटीन ऐसे बना रही है, एक इधर की लोब से और एक इधर की लोब से, दैट इज एंट्रा, दैट इज कॉल्ड सुप्रा एंट्रा। लेकिन इसमें एक समस्या है, जब आप ये सुप्रा एंट्रा कराते हो और आपकी बॉन्डिंग इंटरेक्शन बताते हो तो एट द सेम टाइम इसके अंदर देखो ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन और होती है। इसका मतलब राइट नाउ यहां दो बॉन्डिंग होगी और दो एंटी बॉन्डिंग होगी। तो बताओ ये सारी मेहनत बेकार, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग, खाया पिया कुछ नहीं, फालतू इतनी मेहनत करी हम लोगों ने, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यहां एक चीज अभी और है, वो आप देखो, ये जो कार्बोनाइल का एक और पाई बॉन्ड है इसके अंदर, अब ये दो पी ऑर्बिटल तो कार्बन कार्बन के थे, राइट। अब कार्बन कार्बन के साथ यही एक पी ऑर्बिटल कार्बन ऑक्सीजन का भी है और उसकी जो पॉजिटिव लोब है वो पॉजिटिव लोब, याद रखना, इस पॉजिटिव से भी और इस पॉजिटिव से भी इंटरैक्ट हो सकती है। अरे क्या बोल गया मैं, क्या बोल गया मैं, देखो काम की चीज बोल गया। ये इंटरैक्शन भी पॉसिबल है और ये इंटरैक्शन भी पॉसिबल है। इसका मतलब जब किटीन इस प्रकार से अप्रोच करती है तो ऐसे स्थिति में कुल चार बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती है और दो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती है, इसलिए किटीन में ये सुप्रा एंट्रा एडिशन पॉसिबल होता है। तो मैंने क्या बोल दिया, इस वक्त यहां पर टोटल इंटरेक्शन क्या क्या है वो आप लोग समझो। टोटल इंटरेक्शन चार बॉन्डिंग इंटरेक्शन है और दो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, और चार बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग होने से ओवरऑल कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ही होगी और ये इंटरेक्शन पॉसिबल होगी। तो देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये एल्कीन ऐसे थी, राइट, अभी सामने से देख रहे हो आप, वापस से सामने से आओ, ये एल्कीन ऐसे थी और इसके ऊपर किटीन के ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन, और मैं जब अभी सुपर एंट्रा करता था तो ये और ये करता था, दैट इज नॉट स्टेरिकली अप्रोचेबल, तो हम कहते थे ये सुपर एंट्रा इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने क्या बोला कि भाई अब आप इसको इस तरह से व्यू करो, अब आप लोग इसको ऊपर से देख रहे हो जिसका डायग्राम मैंने आपको ये शो करके दिया है, राइट। तो आप जब ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड एल्कीन के केवल ऊपर की दो लोब्स नजर आएगी, बिल्कुल भैया दो लोब्स ही नजर आएगी,
करेक्ट। उसके बाद मैंने कहा ये जो ऊपर की टीम थी उसे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड, मैंने कहा इसको 90 डिग्री से घुमा दो तो कार्बन कार्बन आपको ऐसा नजर आएगा, कार्बन ऑक्सीजन आपको ऐसा नजर आएगा, फिर मैंने कहा इसको 90 डिग्री से और घुमा दो अब आपको कार्बन कार्बन ऑक्सीजन नजर आएगा, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड यूं है, कार्बन ऑक्सीजन का यूं है, ये वाले ने इधर एक बॉन्ड बनाया, एक इधर वाले ने यूं बनाया, ये सुपर एंट्रा हो गया और दो एंटी बॉन्डिंग बनाई, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कार्बन ऑक्सीजन का एक पाई बॉन्ड था उसका ये जो पी ऑर्बिटल है पॉजिटिव लोब के साथ वो इधर भी बॉन्डिंग कर रहा है और इधर भी बॉन्डिंग कर रहा है, तो कुल मिला के चार बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन इस वक्त पॉसिबल है, इसलिए इस प्रकार का सुपर एंट्रा स्फेरिकली भी अप्रोचेबल दिखाई दे रहा है। देखो स्फेरिकली भी अप्रोचेबल है, क्यों? क्योंकि आप इन लोब्स के साथ जब आप ऐसे लोब्स रखते हो तो ये इधर भी जुड़ सकती है, इधर भी जुड़ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेरिकली अप्रोचेबल है। और इसके साथ साथ एक फायदा और क्या हुआ कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है और इसका जो ये प्लस लोब है वो यहाँ दो एडिशनल बॉन्डिंग और दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारे को ओवरऑल कुल चार बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग मिलने के कारण ये इलेक्ट्रॉनिकली भी स्टेबल है और स्टेरिकली भी अप्रोचेबल है। तो इस तरह की इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है और इस तरह से किटीन के अंदर 2+2 थर्मल कंडीशन में सुपर एंट्रा साइक्लो एडिशन बताया जाता है। उतारेंगे आप लोग चलिए जी, अब मैं आपको समझाता हूं कि 2+2 साइक्लो एडिशन जब किटीन करती है एल्किन के साथ तो न्यू स्टीरियो के अंदर 4 मेंबर रिंग में बल्क के ग्रुप सेम साइड आते हैं और मैं कह रहा हूं दैट इज कॉल्ड काइनेटिकली लेस स्टेबल प्रोडक्ट। वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट क्यों बना आप वो समझिए। देखो देखना, इसको समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल लेता हूं। ये और ये किटीन, करेक्ट। और मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो किटीन और ये रिएक्शन करेंगे जब, तो ये एल्कीन का ये ग्रुप और ये लीजिए ओएटी ग्रुप, करेक्ट, ये दोनों सेम साइड आ जाएंगे, ये कहना चाह रहा हूं। बल्कि ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड। अब ये बल्कि ग्रुप सेम साइड मैंने क्यों लगाए, व्हाई इन द फोर मेंबर रिंग बल्कि ग्रुप लाइज ऑन द सेम साइड, ये मुझे आपको समझाना है। ये प्रोडक्ट केसी प्रोडक्ट होता है और ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट होता है। भाई ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट क्यों बना ये मुझे आपको समझाना है। देखो इसको समझाता हूं मैं, ठीक है। देखिए देखो, जब भी कभी हम एल्किन की बात कर रहे हैं, देखना इधर, तो मैंने एल्कीन को इस प्रकार से लिखा, दिस वन इज द एल्कीन, करेक्ट। अब आप इसको ऐसे समझना कि ये एल्कीन ऐसे ही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये R, ये H, यानी R मेरी तरफ है, आपसे दूर है, ये डबल बॉन्ड, ये R, करेक्ट। आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का केवल ये दो पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आ रही है और आपको ये R नजर आ रहा है, ये H, ये नजर आ रहा है, क्लियर। इसके जस्ट ऊपर कौन है आपको, इसके जस्ट ऊपर किटीन है। किटीन किटीन कैसे है आपको कि किटीन ऐसे है भाई, ये कार्बन 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 और ये ऑक्सीजन, और ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है किटीन का कार्बन, ये होता है लेस बल्की, और इसका लेस बल्की एल्कीन के मोर बल्की ग्रुप की तरफ होता है ताकि स्टेरिक रिपल्शन कम से कम रहे। क्या मतलब है वापस से देखना, इसके जस्ट ऊपर कौन है, किटीन है, ये लीजिए ये किटीन, और मैं कह रहा हूं इस किटीन का ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये लीजिए ये किटीन का sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये जो किटीन का sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसे कहा जाता है लेस क्राउडेड कार्बन। क्योंकि
निकोटीन के पास दो प्रकार के कार्बन है, एक sp2 वाला दैट इज मोर क्राउडेड, एक sp दैट इज लेस क्राउडेड। लेस क्राउडेड वाला जो कार्बन होता है किटीन का, वो एल्किन के मोर बल्कि ग्रुप की तरफ प्रेजेंट रहता है। ये है मोर बल्कि ग्रुप एल्किन का। आगे बात समझ में? ऐसा क्यों? ताकि बनने वाले ट्रांजिशन स्टेट में जब मोर बल्कि की तरफ लेस बल्कि ग्रुप होता है, तो ऐसे स्थिति में याद रखना हमेशा रिपल्शन कम से कम होता है। क्लियर? अगर मोर बल्कि की तरफ मोर बल्कि आ गया तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो मोर बल्कि की तरफ लेस बल्कि, लेस बल्कि की तरफ मोर बल्कि, हमेशा उल्टा चलता है, ताकि बनने वाले ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो, स्टेट रिपल्शन कम से कम हो। अब आप देखिएगा इसको आप दिखा कैसे रहे हो। अगर आप किटीन को ऐसे दिखा रहे हो, कार्बन कार्बन, और कार्बन कार्बन के साथ याद रखो पाई बॉन्ड ऐसे चल रहा है, ऐसे पी ऑर्बिटल ऐसे ही थे, पाई बॉन्ड ऐसे ही था, तो बताइए अगर पी ऑर्बिटल ऐसे होता है, पी ऑर्बिटल ऐसे होता है, तो बताइए ट्राइगोनल प्लेनर कैसे होता है। तो आप कहोगे ट्राइगोनल प्लेनर जब ऐसे होगा ना, ऐसे, तब पी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं। याद करो ये चीजें सिखाई है कार्बोनाइल में, इसका पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड की पी ऑर्बिटल जब ऐसे है, ऐसे, तब जाके आपका ये ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। करेक्ट? ऐसा थोड़ी हो सकता है ट्राइगोनल प्लेनर भी ऐसे, पी ऑर्बिटल भी ऐसे, नहीं होता ना, ऐसे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल एल्किन का ऐसे है, सॉरी किटीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ये जो पाई बॉन्ड है उसका पी ऑर्बिटल अगर ऐसे है, तो इसका मतलब इस पर लगे ग्रुप ऊपर और नीचे होंगे। ऊपर और नीचे का मतलब क्या हुआ? एक वेज होगा और एक डैश होगा। बताओ भाई ऐसे बताओगे? अब वेज पर क्या बनाओगे? वेज पर लगाओगे बल्कि ग्रुप। अब बल्कि क्यों लगाएंगे? बल्कि लगाने से फायदा क्या है? क्योंकि इस पर लगा बल्कि ग्रुप अगर वेज पर होगा तो वो इससे मैक्सिमम दूरी पर होगा। तो देखो पहली चीज, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है किटीन का, कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड है किटीन का, इसका ये ग्रुप और ये ग्रुप में से ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, ये वाला लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बोनाइल वाला तो एल्किन के मोर क्राउडेड वाले ग्रुप की तरफ है, ताकि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड और मोर क्राउडेड अगर इधर है तो रिपल्शन कम से कम होगा। दूसरी चीज, ये मोर क्राउडेड आर हो गया और इधर से लगा हुआ ओईटी ये ऊपर हो गया, तो ये इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में? एक तो इधर ऊपर से ऊपर, तो इसके साथ ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, दैट इज कॉल्ड मोर स्टेबल 3D अरेंजमेंट। बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट पे रिपल्शन कम से कम होगा और मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब आप देखो यहां क्या हो रहा है, ये है 3D अरेंजमेंट एल्कीन और किटीन का। सबसे पहले तो आपको ये व्यू समझ में आना जरूरी था। कहिए ये समझ में आया आप सभी लोगों को? करेक्ट? ओके, वेरी गुड। अब देखिए क्या होगा, अगला स्टेप समझिएगा। अब आप इसमें न्यूक्लियोफिलिक कार्बन और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पहचानो, रेजियो रेजियो पहचानो। तो भाई क्या पहचानना है, पहचानी पहचानी है अपने को। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन यहां जुड़ने वाला है और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यहां जुड़ने वाला है। यही तो होती है रेजियो सेलेक्टिविटी। तो बताइए न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कहां है? यहां, ये रहा। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहां है? ये रहा। तो इसको इससे जोड़ोगे और इसको इससे जोड़ोगे, तब जाके आपकी 4 मेंबर रिंग बनेगी। अब जोड़ोगे कैसे वो भी देखो। देखो भाई, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया इसके लिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये संभालिए, ये भी देखिए, ये लीजिए, ये भी ले लेते हैं, ये भी लीजिए, ये भी उतार लीजिए। और आप देखिएगा अब ट्रांजिशन स्टेट, ये बॉन्ड टूट रहा है, इधर से ये बॉन्ड भी टूट रहा है, और इधर से ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसके और इसके बीच में भी बॉन्ड बन रहा है। ये होती है मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, बताइए मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट ये कैसे हुई? क्योंकि इस एल्किन का ये जो मोर स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पे लगा बल्कि ग्रुप है, इसकी तरफ आपने लेस क्राउडेड कार्बन को रखा है और साथ में मोर क्राउडेड कार्बन को इससे दूर रखा है, एज वेल एज मोर क्राउडेड कार्बन पे भी लगा हुआ बल्कि ग्रुप वेज पर रखा है, ताकि ये इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहे, स्टेरिक रिपल्शन ट्रांजिशन स्टेट में कम से
टर्म हो, इसे कहते हैं मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। एक बात बताओ यार, बात बताओ मुझको, बहुत काम की बात है कि अगर कोई एक रिएक्टेंट मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू पाथ कर रहा है तो मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, लो एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ फॉलो किया जा रहा है। कौन सा पाथ फॉलो किया जा रहा है, लो एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ। मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का मतलब हो गया पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी। एक बात बताओ, जो पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है, हम कहेंगे यस वो लो टेम्परेचर पे होता है, और जो पाथ लो टेम्परेचर पर होता है उसे आप काइनेटिकली कंट्रोल्ड पाथ कहते हो, दैट इज कॉल्ड केसी काइनेटिकली कंट्रोल्ड पाथ। क्लियर? और जैसे ये पाथ में ये जो बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट है, अगर मैं इसके प्रोडक्ट को यहाँ रिप्रेजेंट करूँ अब, तो मैं इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट ऐसे कर सकता हूं, ये लीजिए देखना, ये हो गया, ये आर एच हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये लीजिए ये बन चुका है बॉन्ड, और इधर से ये बन चुका है बॉन्ड। बताइए आगे बात समझ में यहां तक करेक्ट? अब आपको मैं ये कह रहा हूं इस फोर मेंबर रिंग को जरा प्लेन में कर देते हैं, तो मैं यहां से पकड़ूंगा इस कार्बोनाइल को, देखो इधर से अंगुली डाली मैंने, इसको पकड़ा और ये नीचे करा थोड़ा सा, ये कार्बोनाइल है ना, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है मैंने यहां उंगली डाली और इसको पकड़ के नीचे किया, तो जैसे मैंने इसको नीचे किया मेरे को ये फोर मेंबर रिंग नजर आने लगी, ये आर मेरे को ऊपर नजर आने लगा, ये ऑलरेडी वेज पर है, तो आप देखो दोनों बल्कि ग्रुप R और OET कहां है, आप कहोगे दोनों सेम साइड है, वेज पर है, यानी बल्कि ग्रुप्स लाइज ऑन सेम साइड इन द फोर मेंबर्ड रिंग। लेकिन आपको लास्ट में प्रोडक्ट ऐसा बन गया, हम लोग ऐसा क्यों बन गया, क्योंकि हमने कोशिश ये करी शुरुआत की अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट बने वो मोर स्टेबल बने, वो कम टेम्परेचर पर प्रोसेस हो जाए। तो आप लोगों ने चूंकि यहां प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल्ड फॉलो किया है, आपने पाथ काइनेटिकली कंट्रोल्ड फॉलो किया है, आपने लो एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ सेलेक्ट किया है, आपने लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई है, इसलिए केसी प्रोडक्ट आपको कैसा मिला, लेस स्टेबल प्रोडक्ट, जिसको आप कहते हो बल्कि ग्रुप स्लाइस ऑन द सेम साइड। तो आप ये कहोगे ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट केसी प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट है ये, केसी प्रोडक्ट। और केसी प्रोडक्ट कैसे होते हैं, लेस स्टेबल प्रोडक्ट, केसी वैसी। और अभी आ गया 4+2 में सीखने वाले हो, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होती है उसकी भी, एंडो सेलेक्टिविटी वगैरह की, वो भी अपन सीखेंगे आगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जब केटीन की होती है तो हमारे को एक केसी प्रोडक्ट, लेस स्टेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। कैसे 3D वगैरह हुई ये मैंने आपको सारा समझा दिया है, उतारिएगा उतारो भाई उतारो स्टूडेंट्स। तो आपके बात समझ में आ गई किस तरह से हमने लेस स्टेबल प्रोडक्ट वगैरह बनाया है, ओके चलिए। तो स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन 18 तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन एंड देन 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन एंड साइक्लो एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, राइट? ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।